आज में जो हमारा टॉपिक है उसी पे जो भैया ने पर्यावरण का बताया था, पर्यावरण का आपको अपना एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने अभी लास्ट 8000 पौधे लगाए हैं, उसके मेरा जो है मैं बोलने से ज्यादा करने में आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने काम किए हुए हैं। मैंने अभी 8000 पौधे लगाए हैं। अगर आप में से किसी को लगे कि नहीं भैया ऐसे बोल रहे, तो मैं आपको बता भी सकता हूँ कहाँ कहाँ लगाए। उसके अलावा वो ही देखते हुए गाजियाबाद से स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। उसके अलावा अगर हमारी सोसाइटी में गाजियाबाद में कहीं भी हमें कूड़ा दिखता है तो उसे जाके खुद हमारी टीम है जो उसे खुद जाके क्लीन कराते हैं। उसी के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में मुझे भैया से पता लगा, कुलदीप मलिक भैया से, अनिल भैया से, विराट भैया से। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए भारत में, उसकी बहुत जरूरत है भारत में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर हमारा ट्रायल होता है, मैंने कैंप अटेंड किया था 23 का कानपुर में, तो आप ये देखिए उत्तर प्रदेश से ही वहां पे 10,000-15,000 बच्चे होते हैं जो ट्रायल देने पहुंचते हैं। तो उसकी वजह क्या है? जनसंख्या है। उसी के साथ जो हमारे साधन है उसको यूज करने के लिए भी साधन कम है और जनसंख्या ज्यादा है। स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य के लिए मैं आपको उससे बात करूं तो स्वास्थ्य का मोस्ट, जो मेरे भी फ्रेंड है मोस्टली वो सब ये है कि जिम जा रहे हैं, बॉडी दिख रही है, सिक्स पैक बन गए, ठीक है हम फिट हो गए। उसके अलावा बहुत से युवा एस्ट्रॉइड ले रहे हैं जो बहुत गलत है हमारी हेल्थ के लिए। अगर मेरे भैया हैं जीत रावण, WWE खेल रहे हूं चैंपियन, तो अगर आप भैया का बताओ तो भैया ने आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं लिया है। जीत रामा सर्च करोगे, जीत रामा, उन्होंने आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं लिया है। वो जो है वो अपना नॉर्मली जो प्रोटीन जो हमें खाने से, दाल से, चने से, जहां से मिलता है वहां से प्रोटीन लेते हैं। पर जो आज हमारे जो युवा है, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो साथ खेलते हैं, मोस्टली क्या करते हैं एस्ट्रॉइड लेते हैं या तो प्रोटीन भी, कुछ प्रोटीन है जो बॉडी के लिए ठीक है और कुछ प्रोटीन है जो बॉडी के लिए हार्म करते हैं। तो स्वस्थ रहिए आप सब, इसी के साथ मॉर्निंग में वॉक कीजिए, योगा कीजिए। थैंक यू।